जहां प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के फर्जी फेसबुक पोस्ट वाले बयान पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कहा कि सच मानिए हुजूर, धूल चेहरे पर है, इल्जाम आईने में लगाना बेफिजूल है। राहुल गांधी अपने फेस को ठीक करें, फेसबुक अपने आप ठीक हो जाएगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की, शीर्ष से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता लगे रहते हैं। शुरू से कहते थे राम मंदिर बनाने को लेकर मंदिर वहीं बनेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम अब तारीख भी बता दी है। हम बचपन से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमने 370 भी हटा दिया। सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। या यो भी कह सकते हैं कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अपने फेस को ठीक करो, फेसबुक तो ठीक हो जाएगी। जनता के बीच जाएं, गरीबों के बीच जाएं, पहले मीडिया पे इल्जाम, अब सोशल मीडिया पे इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम। इसको ठीक करिए, सब ठीक होगा। कमलनाथ जी, हम काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ भाषण ही दिए थे, सिर्फ झूठे वादे ही किए थे, एक भी घोषणा पत्र की बात पूरी नहीं की। हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक, हमने कहा, कहते थे प्रारंभ से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इनके नेता ट्वीट करने लगे तारीख बदलो, क्योंकि पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब हमने तारीख बताई तो ट्वीट कर दिया। हम बचपन से कहते थे यहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। 370 भी हटी, 35 भी हटी, लद्दाख भी आजाद हो गया।